कुछ थियरम है यहाँ पे गिवेन है, उन थियरम का यूज होगा, ऑफ कोर्स उनका भी यूज होगा, फिर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे जितने भी हो सकते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, क्वेश्चन नंबर 2.3, विच इज नॉन एज डायमेंशन थियरम, रैंक नलिटी थियरम एंड सिल्वेस्टर लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है डायमेंशन थियरम। तो पहले तो आता था यहाँ पे आपके, जब वो भी नहीं था, स्टेट एंड प्रूव द डायमेंशन थियरम, इस तरीके से आता था पेपर में। तो देखो सिल्वेस्टर लॉ या डायमेंशन थियरम या रैंक नलिटी थियरम क्या कहती है। तो ऑफकोर्स देखो ध्यान से देखना इस फिगर को, मैं जो फिगर बना रहा हूँ बार बार सेम चल रहा है। जब भी हमने रिंग होमोमोर्फिज्म या ग्रुप होमोमोर्फिज्म जो पढ़े थे, यही कर रहे थे हम हर जगह। तो देखो इसका जो इमेज होगा ऑफकोर्स ये, ठीक है, दिस इज आर टी, ये आर टी है, एन टी भी मैं बना लेता हूँ, चलो एन टी, एन टी का इमेज ऑलवेज जीरो पे जाता है, दिस इज एन टी, एन टी, ठीक। तो ये जो डायमेंशन थियरम होती है वो ये कहता है डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस, ऑफकोर्स ये तभी होल्ड होगा जब वी जो गिवेन है हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, एफ डी वी एस, यानी इसके पास फाइनाइट बेसिस हो। तो डायमेंशन ऑफ एन टी, अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो ये इसका बेसिस भी फाइनाइट ही होगा। सो डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी, और इसकी इमेज भी किसी फाइनाइट पे ही जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन अगर ऐड कर दो तो मेरी जो डोमेन है उसकी डायमेंशन आ जाती है। और डायमेंशन ऑफ एन टी इज नथिंग बट द नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी, एंड दिस इज रैंक ऑफ टी, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ डोमेन। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो सिल्वेस्टर लॉ क्या कहता है, लेट वी एंड डब्ल्यू बी द वेक्टर स्पेसेस एंड टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस बी टू डब्ल्यू। ऑफकोर्स डब्ल्यू इज ए वेक्टर स्पेस, यहाँ पे डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस ही है। इफ वी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इट मीन्स वी हैज फाइनाइट बेसिस, देन द रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, ये शो करना है। तो जो हमारा इससे पहले था 2.2 थियरम, उसका भी यूज होगा यहाँ पे। तो प्रूफ आप देख लो इसका एक बार, क्योंकि हमने ये तो कर ही दिया, स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, प्रूफ देख लो एक बार। सो देख लो वी क्या है, एफ डी वी एस है, वी एफ डी वी एस है, तो डायमेंशन ऑफ वी क्या होगा, कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी एन, एंड मेरा एन टी कर्नल ऑफ टी क्या है, इसका सब स्पेस है वी का, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ऑलवेज डायमेंशन ऑफ एन टी इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, तो इसका डायमेंशन भी मेरा फाइनाइट होगा। सपोज अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू बी वन बी टू एंड सो ऑन बी के, ठीक है। तो ये बेसिस जो मेरा जो है एन टी का बेसिस है, बिकॉज वी आर टेकिंग यर डायमेंशन ऑफ एन टी इज के, तो ये मैंने के ले लिया, ले सकता हूं, क्योंकि ये इसका जो के होगा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन होगा, या तो एन से छोटा या तो एन के इक्वल ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सब स्पेस के जो डायमेंशन होता है, सब स्पेस का डायमेंशन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्पेस, वेक्टर स्पेस, तो इसका यूज किया हमने। सो सिंस दिस इज एल आई, ठीक है, ये बेसिस किसका, एन टी। अब देखो इस फिगर में एक बार, एन टी क्या है, किसका सबसेट है, वी का, सब स्पेस भी है, और जो इसका बेसिस होगा वो क्या है, यहाँ पे ही होगा कोई, ठीक है, जिसको हमने एन सॉरी बी ऑफ बी एन टी नाम दे दिया है। तो ये बी एन टी जो होगा एल आई सबसेट होगा एन टी का, ऑफकोर्स बी एन टी जो होगा एल आई सबसेट ऑफ बी भी होगा, ये एल आई वी का भी एल
एल आई सबसेट होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कोई भी एल आई सबसेट जो होता है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है, बाय द एक्सटेंशन थियरम। जस्ट बाय द एक्सटेंशन थियरम दिस बी एंड टी कैन बी एक्सटेंडेड टू द बेसिस ऑफ वी। और मैंने इस वी को ये लिखा है, सपोज वी वन वी टू एंड सो ऑन वी के, ये तो था ही, ठीक है, ये एल आई था, तो मैंने इसमें एडजॉइन कर दिया बी के प्लस वन एंड सो ऑन बी एन एलिमेंट। टोटल हमारे पास इसमें कितने एन एलिमेंट है, और मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ डायमेंशन ऑफ वी जो है वो एन ही है, या कोई भी एल आई सबसेट होगा वी का, वेक्टर स्पेस वी का, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसके बेसिस तक। एक्चुअली हमें क्या शो करना है, देखो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी करना है। जो हमने बेसिस बनाया है बी वी का, इसमें देखो मैंने कहा वी वन एंड सो ऑन वी के, वी के प्लस वन एंड सो ऑन वी एन तक एलिमेंट है। तो अगर आप ये एलिमेंट देखो तो ये यहाँ थे, यहाँ तो के, ये एलिमेंट देखो k प्लस वन से n है, तो ये है n माइनस के एलिमेंट, क्योंकि टोटल n है तो n माइनस के करूंगा तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो टोटल एलिमेंट ऑफकोर्स इसमें k प्लस n माइनस के विच इज n ही होंगे, तो यहाँ पे मैंने n माइनस के एलिमेंट ये लिया है। अब देखो जरा, एक्चुअली हमें शो करना है रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ n t। डायमेंशन ऑफ एन टी क्या है मेरा, डायमेंशन ऑफ एन टी के, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एन टी के, और मुझे शो करना है डायमेंशन ऑफ आर टी, ये नहीं पता हमें अभी तक ये क्या होगा, और इज इक्वल टू इन दोनों के इक्वल में मेरा डायमेंशन ऑफ डोमेन एन आना चाहिए, ये शो करना है। तो अब ध्यान से देखना, एन टी की डायमेंशन हम क्या के लेके चल रहे हैं, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ जरा, तो ये क्या होगा डायमेंशन ऑफ आर टी, डायमेंशन ऑफ आर टी क्या हो जाएगी एन माइनस डायमेंशन ऑफ एन टी विच इज के। तो अगर एन माइनस के एलिमेंट, एन माइनस के एलिमेंट किसमें, इसमें, अगर एन माइनस के एलिमेंट वाला जो भी सेट होगा वो आर टी का बेसिस बन जाएगा, ठीक है, आर टी का बेसिस बन जाएगा, तो मैं आर टी की डायमेंशन बोल सकता हूं ये, और n की जगह मैं पुट कर दूंगा डायमेंशन ऑफ v, और k की जगह मैं पुट कर दूंगा डायमेंशन ऑफ nt, तो हमारा रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो डन हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो हमें शो करना है ये, तो हमें rt की डायमेंशन निकालनी है, यानी rt में नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाने n माइनस के, वी आर जस्ट टेकिंग द एलिमेंट्स जो कि n माइनस के होंगे वो मैं ले रहा हूं, और rt, rt मेरा कहां है देखो यहां पे, इमेज ऑफ दिस एलिमेंट, इमेज ऑफ दिस, तो ये मैं लिख रहा हूं। तो सपोज s इज इक्वल टू, मैंने कलेक्शन ले लिया t ऑफ v k प्लस वन, t ऑफ v k प्लस टू एंड सो ऑन t ऑफ v n, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप देखो तो s में, तो n माइनस k आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, अगर यहां से इससे पहले वाले एलिमेंट क्या है, जीरो कॉमा जीरो कहां तक है, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, अब जीरो तो मैं एस में ले नहीं सकता क्योंकि इसको मुझे बेसिस शो करना है, तो अगर आप थिंक करो जीरो कॉमा जीरो कॉमा एंड ऑन जीरो तक के तक, एंड यहाँ के प्लस वन से स्टार्ट हो रहा है एन तक, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एस में वो एन माइनस के होंगे, ठीक है, क्योंकि ये के प्लस वन से स्टार्ट हो रहा है एन तक, तो यहाँ इसमें टोटल एन माइनस के एलिमेंट है। तो अगर इस एस को आपने बेसिस दिखा दिया आर टी का, तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है, यानी अब हमारा यही टास्क है कि ये जो s है दिस फॉर्म ए बेसिस फॉर आर टी, दैट इज स्पैन ऑफ s इज इक्वल टू आर टी, और ये s जो होगा वो अपने आप में एल आई भी होगा, ये दो चीजें हमें शो करनी है। फर्स्ट स्पैन ऑफ s इज इक्वल टू आर टी बाय द थियरम, उसका यूज कर लेंगे हम थियरम 2.2 का, ठीक है, थ्योरम 2.2 में हमें एक्चुअली यही दिखाया था स्पैन ऑफ आर टी इज इक्वल टू स्पैन ऑफ टी ऑफ बी वो था। तो यहाँ पे जस्ट हमने एस क्या लिया है, नॉन जीरो, अगर यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली ये क्यों लिया है, अगर आप सोचते हो कि एस मैंने यही क्यों लिया है, तो मैंने क्या किया है एस लेने के लिए, थोड़ा सा
एस मैंने ऐसा क्यों लिया? देखो वी तो हमें पता है, वेक्टर स्पेस वी का बेसिस जो पता है वो हमें पता है, वी वन वी टू ऑन शो ऑन वी के, वी के प्लस वन एंड शो ऑन वी एन, ये मेरा बेसिस है फॉर वेक्टर स्पेस कैपिटल वी। तो ये मेरा बेसिस है, ये बी नाम दिया है। अब देखो अगर मैं टी ऑफ बी वन टी ऑफ वी टू एंड शो ऑन टी ऑफ वी के करो, एंड ऑफ कोर्स टी ऑफ वी के प्लस वन टी ऑफ वी के प्लस टू एंड शो ऑन टी ऑफ वी एन में करता हूँ, तो आप देखो इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि वी वन वी टू वी के तो एन टी में, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनकी वैल्यू जीरो होगी वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वी वन वी के प्लस वन जरूरी नहीं है कि वो एन टी में आए, क्योंकि वी वन वी टू वी के तो किसका बेसिस है, एन टी का बेसिस है, कर्नल ऑफ टी का बेसिस है इसका है। तो ये एलिमेंट जब इसमें आ रहे होंगे तो इसकी इमेज कहाँ जा रही होगी, जीरो पे जा रही है, तो वो जीरो होगा। तो और एस मैंने कंसीडर किया है, इनको छोड़ के जीरो वेक्टर आ जाएगा तो वो कभी एलाई हो ही नहीं सकता, तो उसको छोड़ दिया मैंने और ये वाले एलिमेंट लिख दिए। बस अब हम इसी को लेके करना है यहाँ पे प्रूफ। तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया एस, और एस को मुझे दिखाना है स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू आर टी एंड एस इज ए एल आई, ये शो करना है। सो बाय द 2.2 थियरम आर टी इज इक्वल टू स्पैन ऑफ टी वी, स्पैन ऑफ टी वी का मतलब स्पैन ऑफ टी ऑफ वी वन कॉमा टी ऑफ वी टू एंड शो ऑन वी एन, लेकिन वी के तक जो भी होगा वो जीरो होगा, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जीरो वेक्टर जो स्पैन करेगा वो जीरो को कर देगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी जीरो भी आ जाएगा, तो मैं जीरो को हटा दिया तो ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो टी ऑफ वी के प्लस वन टी ऑफ वी के प्लस टू एंड शो ऑन टी ऑफ वी एन, तो ये स्पैन एक्चुअली मैंने ये एस कैसे कंसिडर किया है, इन्हीं का किया है, तो स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू आर टी आ गया। तो फर्स्ट हमारा डन हो गया। नेक्स्ट हमारा ये है कि एस को एल आई शो करना है, एस को एल आई शो करना है, तो देयर एग्जिस्ट सम स्केलर, सपोज दिस इक्वल टू जीरो है ना, बी आई टी ऑफ वी आई इज इक्वल टू जीरो फॉर दिस वन बी के प्लस वन बी के प्लस टू, जैसे इसके सफिक्स है वैसे ही हमने लिया है, तो टी लीनियर है तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, तो टी ऑफ दिस वेक्टर, ये भी कोई वेक्टर ही होगा, दिस वेक्टर इसका इमेज देखो अंडर टी इसका इमेज जीरो जा रहा है, तो ये मेरा एन टी में आएगा ही आएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू है मेरी एन टी में आ जाएगी। और एन टी का बेसिस क्या है, एन टी का बेसिस बी ऑफ एन टी आपको पता है उसमें कैसे एलिमेंट है, कितने हैं, वी वन वी टू एंड सो ऑन वी के तक है। जैसे ही आपको ये पता चला ये इसका बेसिस तो एन टी का ये है, और ये एलिमेंट जो है वो एन टी में भी आ रहा है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ एन टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो मैंने क्या किया, इसको इसके इक्वल में कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी आई कर दिया, कर सकता हूं मैं यहां पे, ठीक है, दिस क्योंकि ये एन टी का है, एवरी एलिमेंट ऑफ एन टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ इट्स बेसिस, तो इसके बेसिस में क्या एलिमेंट है ये, तो समेशन सी आई वी आई इज इक्वल टू समेशन वी आई हो गया। और ऑफ कोर्स ये मेरा ये एलिमेंट है ये वाला, और ये मेरे वन टू के है, तो आई वेरीज वन टू के कर दिया, और ये आई वेरीज के प्लस वन टू एन कर दिया। तो यहां से इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो ये बन गया। और देखो अब वी आई, अब इसमें कितने एलिमेंट है, वी वन वी टू एंड सो ऑन वी के एंड वी के प्लस वन एंड सो ऑन वी एन, और लेकिन वी वन वी टू एंड सो ऑन वी एन तो बेसिस है किसका, वी का, तो ये सारे बेसिस है वी के, तो इसके सारे कोफिशियंट जो है वो जीरो हो जाएंगे। सो मुझे तो किस कौन से कोफिशियंट जीरो चाहिए थे, ये कोफिशियंट जीरो चाहिए थे वो आ चुके हैं। सो एस इज एल आई, सो एस इज बेसिस फॉर आर टी, अगर एस बेसिस फॉर आर टी है तो डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू एन माइनस के, क्योंकि इसमें इतने ही एलिमेंट है, सो डायमेंशन ऑफ आर टी, के को इस साइड ले आए आप, प्लस के इज इक्वल टू एन,
So k is nothing but the dimension of nt, and n is nothing but the dimension of vector space v. So rank plus nullity is equal to dimension of v. So this is proved. तो आप इसको verify कर दो theorem, इस theorem को question number 2 to 6 में, ठीक है? आप जरूर try करो, verify करना इसमें. Rank निकालना, nullity निकालना, dimension of v देखना. Rank प्लस नलिटी जब भी करोगे वो डायमेंशन ऑफ बी ही आएगा, ऑलवेज आएगा.